हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। यदि आप जॉब सर्च कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ दिनों से जो है यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए जो है आप लोग जितने भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनको रेगुलर देखते रहें, हो सकता है आपकी वैकेंसी उसी में रही हो। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो है एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है 24 जुलाई का। इसमें जो है लास्ट डेट अप्लाई करने की 16 अगस्त रखी गई है। बहुत सारी जो है पोस्ट पर वैकेंसी है, तो नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें हम चेक करने वाले हैं, कैसे अप्लाई करना है। अलग अलग पोस्ट हैं तो क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है, एज भी अलग अलग दी गई है। तो चलिए बिना समय गवाए नोटिफिकेशन को देखेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को नोटिफिकेशन में व्यू पर क्लिक करना है। बहुत सारी जो है पोस्ट पर वैकेंसी है। क्लस्टर रिसोर्स पर्सन की वैकेंसी है, जिसमें ग्रेजुएट पास कैंडिडेट, 2 साल का आपके पास डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, BTC वाले, BLED वाले, DLED वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन फॉर करियर काउंसलिंग की वैकेंसी है, जिसमें अगर आपने साइकोलॉजी से मास्टर डिग्री की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्लॉक रिसोर्स पर्सन एट BRC लेवल पर, तो इसमें इंग्लिश और पैडागॉजी 2 सब्जेक्ट हैं। इसमें भी जो है ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का डिप्लोमा आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में। रिसोर्स पर्सन ब्लॉक लेवल पर CWSN के लिए स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है एलिमेंट्री, स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी के लिए वैकेंसी है। अब जो है सैलरी और नंबर ऑफ वैकेंसीज पोस्ट वाइज दी गई है। वैकेंसी जारी की गई है UT एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादर नागर हवेली एंड दमन द्वीप, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन समग्र शिक्षा मोती दमन से। इसमें आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं आवेदन कर सकते हैं। 24 जुलाई का विज्ञापन है। नेम ऑफ पोस्ट है यहाँ पर, नंबर ऑफ पोस्ट है और सैलरी पर मंथ, तो अलग अलग जो है सैलरी है। स्पेशल एजुकेटर की जो सैलरी है 27,000 है, ये सेकेंडरी की है। एलिमेंट्री की जो सैलरी है वो 26,000 है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इसमें 3 है। एलिमेंट्री 6 के लिए जो है 1 वैकेंसी है और तो इसमें सैलरी जो है एक एक वैकेंसी है 26,000, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इसमें कितनी है, 8 है। दूसरी जो पोस्ट है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर की, इसमें रिसोर्स पर्सन CWSN की जो सैलरी है 25,780 है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 हैं। इंग्लिश के लिए 1 वैकेंसी है, 31,400 सैलरी है। पैडोगोजी के लिए 1 वैकेंसी है, 31,400 सैलरी है। करियर काउंसलिंग के लिए 4 नंबर ऑफ वैकेंसी है, 25,780 में सैलरी है। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर के लिए जो है 11 वैकेंसी है। क्लस्टर रिसोर्स सेंटर में 30,000 सैलरी है, नंबर ऑफ वैकेंसी जो है कितनी है, तो 22 है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी के लिए ग्रेजुएशन आपकी BED स्पेशल एजुकेशन में, या BED आपने सामान्य BED किया हुआ है, 1 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में यहाँ पर चाहिए। 35 ईयर जो है इसमें एज लिमिट है। आयु सीमा में छूट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगी। एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए नहीं, लेकिन अगर आपके पास है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्पेशल एजुकेटर एलिमेंट्री के लिए 30 साल तक के कैंडिडेट जनरल में आवेदन कर सकते हैं। 12th आपका 2 साल का DED स्पेशल एजुकेशन में आपके पास तो डिग्री है, डिप्लोमा है या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है आप लोगों के पास, और 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है अगर आपने विजुअल इम्पेयरमेंट में, तो भी इसमें आप एलिजिबल रहेंगे। रिसोर्स पर्सन ब्लॉक लेवल पर जो है इसमें 35 ईयर उम्र सीमा है, और इसमें BED स्पेशल एजुकेशन में, BED सामान्य वाले 1 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ब्लॉक रिसोर्स पर्सन नेट BRC, तो इसमें आपने BA BSc BCom किया है
2 साल का डिप्लोमा है आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिस भी नाम से जाना जाता हो, डीएड है या फिर बीटीसी है, बीएसटीसी है, ठीक है, या फिर आपने ग्रेजुएशन के साथ में बीएड किया है, इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, बीएसटीसी किया है, डीएड किया है, डीएलएड किया है, ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ में, या फिर 12th के साथ में बीएलएड वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अकेडमिक रिसोर्स पर्सन करियर काउंसलिंग के लिए बता दिया, मास्टर डिग्री आपकी साइकोलॉजी में या ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है और सर्टिफिकेट है आपके पास करियर काउंसलिंग का, या आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है काउंसलिंग में, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। इसमें 35 ईयर एज है। क्लस्टर रिसोर्स पर्सन में भी जो है सेम है जो अभी बताया था आपको, ग्रेजुएशन के साथ में जो है बीएलएड वाले, डीएड वाले, बीएससी वाले, बीएसटीसी वाले या फिर बीटीसी वाले, कोई भी इसमें आवेदन करें, ठीक है, 35 ईयर इसमें भी। अब देख लेते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है आप लोगों को लेना है, और उसके साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटोकॉपी लेनी है, इस एड्रेस पर भेजनी है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, 3rd फ्लोर, रूम नंबर 312, लेखा भवन, 66 KV रोड, अमली सिलवासा, दादर एंड नागर हवेली, पिन कोड है 396230। 16 अगस्त 5 बजे तक लास्ट डेट रहेगी। एक पोस्ट के लिए एक ही जो है एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपको दूसरी पोस्ट के लिए करना है तो आपको दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा। हर पोस्ट के लिए अलग अलग जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो ये समग्र शिक्षा के तहत जो है वैकेंसी हर बार आती है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। देखिए कोई भी वीडियो बनाया जाता है तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड किया जाता है। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग उसे ओपन करें, मोर पर क्लिक करें, और फिर जो आप लोगों को लिंक वहां पर ज़रूर मिलेगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएँ, यूटी ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन द्वीप, इसमें जो है, या फिर यहाँ नोटिस आपको मिलेगा इस पर, 2nd नंबर पर रिक्रूटमेंट, इस पर क्लिक कर लें, नहीं तो थोड़ा सा नीचे आएँ, रिक्रूटमेंट पर जो है क्लिक कर लें, यहीं पर आपको दिखेगा 2nd नंबर पर एडवर्टीजमेंट के लिए जो है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। उसके बाद जो है आपके सामने ये पेज होगा, यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए व्यू लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सिर्फ देख सकते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है रेड कलर का, इस पर क्लिक कर लेंगे तो पूरा जो है आपके पास नोटिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकालना है, फिल करना है और एड्रेस पर भेज देना है। ये एड्रेस है, तो बिल्कुल सही तरीके से यदि आप काम करेंगे तो आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म समय पर पहुंचेगा। तो चलिए और भी वैकेंसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।